हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं नितेश कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल मैनमेटेक हिंदी में। अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपने एक सिंपल प्रॉब्लम फेस की होगी, जब जो कि सबकी कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी डाटा केबल अक्सर खराब हो जाती है, चाहे वो आईफोन यूज कर रहे हो या हो आप या एंड्रॉयड कोई फोन यूज कर रहे हो या कंपनी कोई भी हो, आसूस हो, एमआई हो, सैमसंग हो, चाहे जो भी कंपनी हो, ओप्पो वीवो कोई भी हो, उनके डाटा केवल कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं। कंपनी भी आपको 6 मंथ की ही वारंटी देती है, अगर 6 मंथ के अंदर आपके खराब होते तो आप उसे चेंज करा सकते हो सर्विस सेंटर जाके, बट अगर उसके बाद हो तो फिर क्या करें, फिर आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि सेम डाटा केवल सर्विस सेंटर से जाना पड़ता है लेने। लेकिन जो डाटा केवल आपको मिल जाएगी मार्केट में 200 से 250 की, वो आपको सर्विस सेंटर में मिलती है 1000, 1500, 700, 800, मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग के साथ मिलती है और काम वही करती है चार्जिंग की। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं एक डाटा केबल लेकर आया हूँ आपके लिए। और आपके लिए एक चीज और भी यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जैसे कि आप सर्विस सेंटर से नहीं भी लेते, आप मार्केट से कोई भी डाटा केबल परचेज करते हैं, तो आपने एक प्रॉब्लम और फेस की होगी कि आपके जो चार्जिंग वो बहुत ज्यादा स्लो होती होगी। कई लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की है और मुझसे कहा है कि चार्जिंग अगर मार्केट से डाटा केबल जो ले रहे हैं उससे उनकी चार्जिंग स्लो होती है, फोन के जो एंड्रॉइड अगर चार्जिंग में लाके कुछ टच करते हैं तो अपने आप एंड्रॉइड काम करता है। तो इस चीज को देखते हुए मैं ऐसा एक डाटा केबल लाया हूं जो कि आपकी हर एक प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा जल्दी से। तो ये है गुड लाइफ कंपनी की डाटा केबल, ये एंड्रॉइड, आईफोन और टाइप सी तीनों में ही आती है। आपको जो भी चाहिए इस कंपनी की ये वाले मॉडल की डाटा केबल ले सकते हैं। ये क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी है और इसकी चार्जिंग बहुत ज्यादा फास्ट है, अल्ट्रा फास्ट है। ये 2.5 एम्पियर सपोर्ट करती है और USB 2.0 के साथ कंपेटेबल है, ठीक है। जैसे कि इसमें देख पढ़ पा रहे हो लिखा है गुड लाइफ कंपनी का नाम लिखा है, यहाँ लिखा है डाटा केबल यूएसबी, यहाँ पे देखिए लिखा भी क्विक चार्ज, मतलब फास्ट चार्जिंग होगी। और जो इसकी एमएम है, वायरिंग एमएम है, 1000 mm की वायरिंग एमएम है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है यूएसबी केबल क्विक चार्जिंग हाई स्पीड लिखा हुआ है इस पे, और ये वाकई में हाई स्पीड चार्जिंग करती है। प्राइस थोड़ा सा वो ज्यादा है बट क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया है, प्राइस से काफी ज्यादा हमें मिलता है। और इसमें मैं बता दूं तीनों ही आते हैं, टाइप सी, आईफोन और V8 केबल जो एंड्रॉइड के लिए आते हैं, तीनों ही आते हैं। यहाँ पे जो मेरे हाथ में भी डाटा केबल है ये आईफोन का है और इसमें तीनों मॉडल के आते हैं। तो इस कंपनी का ये मॉडल अगर आप लेना चाहते हैं तो तीनों में आईफोन है, एंड्रॉइड और टाइप सी के लिए ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाइए, ये डाटा केबल परचेज करिए और यूज करिए, आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी। चलिए करते हैं फटाफट अनबॉक्सिंग, किस टाइप की डाटा केबल दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कि फटाफट से निकालिए, ऐसे निकलेगी ये और ये डाटा केबल कुछ इस टाइप की रहेगी, देख लीजिए। कुछ डाटा केबल जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम है, हैवी वायरिंग यूज की गई है यहाँ पे, और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है, जैसे कि आपका नीला कलर देख रहा होगा 3.0 वाले, तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। प्लस इसकी जो वायरिंग है काफी ज्यादा हैवी है, आप खुद देख सकते हैं इसकी वायरिंग काफी ज्यादा हैवी है। और जो इसका जैक है, यहाँ पे जैक की जो वायरिंग है, जैक जो यूज किया गया वो बहुत ही अच्छा जैक यूज किया गया है। और ओवरऑल जो इसकी मोल्डिंग है यहाँ पे ऊपर से सेफ रेड कलर का दिया गया है, इसकी फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी है और मैंने इसे खुद यूज किया है करीब 2.5 से 3 महीने, मुझे क्वालिटी काफी अच्छी लगी और मेरे अभी भी डाटा केबल चल रही है। तो ओवरऑल मैं 3 महीने से यूज कर रहा हूँ तो मुझे कोई अभी तक दिक्कत फेस नहीं हुई। और इसकी वायरिंग इतनी बढ़िया है, इतनी वायरिंग हैवी है, आप खुद देख लीजिए इतनी मोटी वायरिंग है कि इसमें टूटने का सवाल नहीं होता, आप कहीं से खिंच भी जाएगी ऐसे तो इसको कुछ नहीं होगा, हल्के फुल्के खींचने से कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम डाटा केबल आपकी यहाँ से टूट जाती है मुड़ के। बट ये देखिए इसमें वायरिंग बहुत ज्यादा अच्छी यूज की गई, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये इस टाइप का टूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। प्लस दूसरी प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि यहाँ से जैक टूट जाता है, यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी यहाँ पे यूज की गई है, जैक की इतनी बढ़िया यूज की गई है कि यहाँ से जैक टूट जाए ऐसा भी पॉसिबल ही नहीं है। और इसकी जो वायरिंग है वो 1000 mm लिखा हुआ है, जो इसकी वायरिंग अंदर यूज की गई 1000 mm की है, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, जो शॉक वगैरह से जल्दी खराब नहीं होगी। तो ओवरऑल ये इस डाटा केबल में ये है
कि ना तो जल्दी शॉक से खराब होगी, ना ही जैक टूटेगा, ना ही ये डाटा केबल टूटेगा। आप अगर इसे ले लेते हैं तो आपके लंबे टाइम के लिए छुट्टी हो जाती है डाटा केबल की। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये डाटा केबल आप ले, एंड्रॉइड के लिए भी ले, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, V8 फोन है तो उसके लिए ले ले, अगर आईफोन यूजर है तो आप आईफोन के लिए ले ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप जाइए इसे लीजिए। चार्जिंग बहुत बढ़िया करता है, जैसे आपका ओरिजिनल चार्जर चार्ज करता था डाटा केबल, सेम आपको वही रिजल्ट मिलेगा, कोई इशू नहीं है। और इस डाटा केबल को यूज करने से आपको टच वगैरह में भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप चार्ज में ला के जैसे यूज करना चाहते हैं तो उस टाइम भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक अच्छी डील आपके लिए साबित हो सकती है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।